वो मुझे पता था कि रंग नहीं डालना चाहिए बेबी पर, इसलिए मैंने रोज पेटल्स डाल दिए। तुम बहुत समझदार हो, मुझे पता था तुम इस पर रंग कभी नहीं डालो। तुमने नक्श को बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। लवली, हमेशा याद रखेंगे। नक्श, अपने छोटे मामा को थैंक यू बोलो, उन्होंने कितना अच्छा सरप्राइज दिया। ऐसा सरप्राइज तो हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारी पहली होली बहुत स्पेशल होगी। थैंक यू बोलो मामा, चलो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे आइडियाज ना हमेशा बहुत ही अलग होते हैं, बहुत 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 प्यारे। वैसे ये फूल तो सिर्फ दीदी और चीकू के लिए थे, आप सबके लिए तो होली वैसी ही होगी। अरे हाँ जी, हाँ, हैप्पी होली। दादाजी हम अभी आए। दादाजी आपसे बात ना हो सकी, उस दिन राजशेखर जी आए थे, अच्छा हुआ हम मिले, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। निखिल थोड़ा जिद्दी है, उसे समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा दादाजी। समझी जी, रश्मि भी ना समझे, उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब और देर होना ठीक ना है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। जमाई सा आते तो दोनों बच्चों की बात करवाने की कोशिश करते हम बड़े। देखिए कहा है, आ जाए। अरे मनरो, यहाँ आओ भाई। वहां क्यों खड़े हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ अभी आया, मैं अभी आता हूँ। दादाजी लीजिए ना। ना इनके हाथ से ठंडा ही ना पीनी मन ने। ये अगर अमृत भी पिला देना तो भी ना पीऊंगा। हाँ ये तो सिर्फ ठंडा ही है, कुछ नहीं होगा, पी लो। खबरदार मारे को भांग पिलाने की कोशिश की तो। अरे पिछली बार भरोसा कर गया आप मुकेश पे, अगले दिन बच्चों को मुंह ना दिखा पाया। अरे लेकिन पिछले साल तो कितना मजा किया था आपने, नाचे थे गाए थे झूमे थे, हुआ दिल मस्ताना। बस बस बस, मारी तारीफ की आड़ में अब और याद मत दिला। अरे ना नैतिक, प्लीज 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 आप इसके पास मत आइए। क्यों? तुगु आपको देखेगा ना तो डर जाएगा, हालत देखिए अपनी। अच्छा नैतिक, आप भांग वांग तो नहीं पी रहे हैं ना? ये वो कैसे छोड़ू? बोला भैया से कहा है कि मेरे लिए एक लेकर आए। क्या नैतिक, आप ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे, दूर रहेंगे इन चीजों से। भाई मैं तो पी कर ही रहूं, आपको अपना जलवा दिखा के रहूं। अरे नैतिक, मैंने आपसे कहा ना। अरे लवबर्ड्स, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई, हमसे भी मिल लो ना मम्मी पापा। अरे तू कहां पर है, कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। अरे पहले अपने भतीजे को हैप्पी होली तो विश कर दूं। माल अरे मेरे गुरु, हैप्पी होली। पापा के साथ बोर हो गया ना, टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं, बिल्कुल बोर नहीं होगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। दीदी कहां है? अब वो भाभी माँ के साथ बैठी हुई है। अच्छा मैं जी मैं हां समझ। दीदी अक्षरा, हैप्पी होली। तुमको और नक्श को भी होली की बहुत बहुत मुबारक। राधे कृष्ण समधन जी। अरे राधे कृष्ण, आपको होली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी राधे कृष्णान जी, आपको होली की बहुत बहुत बधाई। तुम्हें भी होली मुबारक अक्षरा। कैसी हो जी? आइए ना ठंडा ही पी लीजिए जी, तुम दोनों बातें करो जी। अक्षरा मैं से लू? हाँ लीजिए ना। आजा मेरा नक्श, कैसा है आज पहला पहला हैप्पी होली है। ये रश्मि इतनी गुमसुम से क्यों है? ऐसे तो होली में उछल उछल कर सब पर रंग डालती है। हाँ दीदी, लगता है मायके में निखिल जी को मिस कर रही है। दीदी वो एक्चुअली क्या है कि
अक्षरा बेटा तू यहाँ पर है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। ले तेरे लिए ठंडाई लाई, तुझे पसंद है ना, पी ले। कब से तेरे और चीकू की राह देख रही थी, कब आओगे मेरे पास। तेरे बाबूजी के पीछे पड़ी थी कि अक्षरा और चीकू को जल्दी बुलाइए होली पे, सारा दिन मैं दोनों के साथ बिताऊंगी। बाकी मेहमानों को तो वर्षा और छोटी देख लेंगे, और मैं अपनी बेटी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी और अपने नाती के साथ जी भर के खेलूंगी ना। ले बेटा तू ठंडाई पी ले, इसे मुझे दे। अरे हाँ, मैंने बर्फ नहीं डाली है इसमें, तुझे नुकसान पहुंचेगा ना इसलिए। ला इसे मुझे दे दे। माँ 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 प्लीज आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो बस बच्चों की बात लेकर बैठ गए, अब परेशान सब हैं बहू, दुख तो सबको ही है। माँ मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। हाँ बेटा ठीक तो होना ही है, गायत्री बहन बता रही थी कि तुम भी हमारे साथ बहुत परेशान हो, लेकिन बेटा आज होली है, नक्श के साथ तुम भी खुशी से होली मनाओ। नक्श के लिए मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सब लोग बिल्कुल उदास नहीं होंगे। हाँ वो मैं माँ के घर आई हूँ ना अभी, फिर मैं आती हूँ तुझसे मिलने। ठीक है बाय। क्या बात है रश्मि, इस बार तुम मुझसे होली भी ठीक से नहीं मिली और अब यहाँ कोने वोने में घूम रही हो, सास के पास भी नहीं बैठती। आजकल मैके में बहुत मन लग रहा है ना, तो है ना? जी आंटी। छोटे जमाई सा दिखाई नहीं दे रहे, जब भी पूछो काम में है काम में है। अरे ऐसा भी क्या काम, सास ससुर है और वो ही नहीं है। अब क्या है ना समझन जी, अब उम्र है उनके काम करने, चाहे वो मेहनत करके अपना नाम कमा ले या काम कमा ले या वक्त गवा दे, हमारे जमाई सा मेहनत कर रहे हैं तो रश्मि भी समझे। और उनका समर्थन पत्नी नहीं तो और कौन करेगा, इसे ही तो जीवन संगीनी कहते हैं। आखिर इतनी मेहनत हमारे जमाई साथ दोनों के भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। जी वो तो है, लेकिन मैंने रश्मि को उदास देखा ना तो पूछने चली आई। देखा डुगू, पापा से रहा नहीं जा रहा है, मना भी किया था मैंने, अब लगता है मम्मा को ही कहना पड़ेगा, या तो आप भांग के साथ होली मनाइए या तो हमारे साथ। भोला भैया अब नैतिक कहाँ है, मन्ने जमाई साथ होना देखा, ये बात तो महाराज जी है तब से गए। अभी लाइए नक्श को मैं लूं। हाँ हाँ लीजिए ना। है? अभी संभालिए उसको, चार ग्लास पी चुका है, वो भी पटियाला साइज के। चार? पांचवा चालू है। अब कहाँ है वो? वो देख, वहाँ घूम रहा है पीछे। अरे भाभी आप इसकी चिंता मत करिए। ठीक है थैंक्स। नैतिक ये क्या है, आपने इतनी सारी क्यों पी ली है, पांच ग्लासेस इतना कोई पीता है, आप तो नक्श के साथ होली मना ही नहीं रहे हैं। चलिए उठिए उठिए, हाथ दीजिए बिना उठिए। क्या कर रही है नैतिक, कोई देख लेगा, छोड़िए। आप मेरी वाइफ हैं, वाइफ। नैतिक आपको सब बुला रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, सब पूछेंगे तो। अच्छा मेरे अंतर छोड़िए। अबे तो आपको नक्श ने बचा रखा, लेकिन अब कौन बचाएगा? नैतिक मजाक छोड़िए, उठिए जल्दी। अब भी ना, चलिए अभी। नहीं। अरे नैतिक जो सिर्फ रोमांस। ठीक लेगा आप? आज आप बहुत खूबसूरत लगी। नैतिक छोड़िए। ऐसे तो हर दिन ही लगती है, लेकिन ये और गुलाबी रंग आपको और खूबसूरत बना रहे।
मैं तो आप में फिदा हूँ। नैतिक आपने ना बहुत ज्यादा भांग पी ली है, सब क्या कहेंगे। कोई यहाँ पर नहीं, सिर्फ आप और मैं। नहीं मैं आप खैर जाने दीजिए। नैतिक प्लीज छोड़। मुझे जाने दीजिए। मैं सबके सामने आपको किस करने आऊंगा। नैतिक प्लीज कोई तमाशा मत कीजिएगा। शिना दादू और मोहन जी को बोलना पड़ेगा कि इन्हें संभाले। मेरा दिल तो आप पर फिदा हो गया। अंशु तुम ये क्या पी रहे हो? जीजू ने दिया। ये भांग है, इसे पीने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी इसमें भांग नहीं है। ये है? नहीं है दीदी, ये देखो इसमें तो ठंडा ही है, बादाम ठंडा ही। देखिए ना जीजू भी वहाँ वही तो पी रहे हैं। पता नहीं मोहित भैया के साथ कुछ बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ग्लास में डालते और पीते। मैंने उन्हें ग्लास में भर कर दिया तो उन्होंने कहा कि तू प्लान नहीं समझेगा। और दीदी भांग तो उन ग्लासेस में जो भोला भैया पी रहे हैं। तो ये बात दीदी चीकू कहाँ है? वो मोहित जी के पास है, जाओ तुम खेत। अब ऐसे में तो हम किसी को बता भी नहीं सकते। हाँ मोहित, मुझे लगता है जब तक रश्मि का सब कुछ सेटल नहीं हो जाता हमें वेट करना चाहिए। बाबूजी और घर में सब लोग कितने परेशान होंगे और उन्होंने हमसे सब कुछ छिपा लिया। और ये अक्षय नैतिक कहाँ गए? बस मिले और निकल गए। भैया के बारे में नहीं, अपने सैया के बारे में सोचिए ना। आपने भांग पी है क्या? मैं आपकी वाइफ हूँ वाइफ। आपने भी तो पिया। अरे अक्षय आपने कितने ग्लास पिए? आप तीन। नहीं आपने चार और मैंने तीन। मैंने तीन और आपने चार और अब मैं और दो पीऊंगी फिर मैं सबसे आगे हो जाऊंगी। नक्श की मम्मा सबसे आगे। शराब भांग पीने में कोई कमाल नहीं। हैप्पी होली नैतिक, चलिए आई सबको हैप्पी होली विश कर। नहीं नहीं अक्षरा आप इधर आइए। नैतिक चलिए ना, नक्श को भी हैप्पी होली विश करते हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा उसको मैं ये तो पिला दो। अरे ये भांग है, दूध थोड़ी ना है। प्लीज चलिए ना। नहीं हाँ नहीं अक्षरा आप क्या कर रही हैं? आप नशे में, अच्छा नहीं लगता है। मेरा दिल ना आप पे फिदा होना चाहता है। मुझे डांस करके दिखाई। डांस? मुझे डांस नहीं आता है। नैतिक प्लीज कीजिए ना। अच्छा अच्छा करता हूँ लेकिन ना एक फोन आ रहा है, बात करके आता हूँ। नैतिक आप नहीं करेंगे ना तो मैं सबके पास चली जाऊंगी। अरे नहीं 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 आप कहीं नहीं जाइए, आप यही रहिए। और मैं वो करूंगी। क्या वो? अरे लेकिन क्या अक्षरा? आपको किस करूंगी। नहीं नहीं चलिए ना सबके साथ। अरे नहीं रुकिए आप, यही रुकिए आप। नहीं तो प्लीज डांस कीजिए। मैं कैसे कीजिए? नहीं तो मैं चली जाऊं। अरे नहीं नहीं आप ये रुके, मैं डांस करता हूँ। कीजिए। हाँ हाँ ये देखिए ये ठीक है। नहीं तो किसे डांस थोड़ी कहते हैं, ये तो कमर हिलाना हुआ। डांस कीजिए आप।
घूमर कीजिए। मैं घूमर नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता है। कीजिए नहीं तो मैं। अच्छा अच्छा, आप कहीं नहीं जाइए, आप यहीं रुकिए, मैं घूमर करता हूँ। मुझे आता नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ। अच्छा तो आप पीने का नाटक कर रही। आपने अभी जो किया था आप बिना अच्छा नाटक किया। आपने से सीखा है। आज तो आप अपने प्यार का पक्का रंग चढ़ा कर ही रहूंगा। कैसे? आपके दोस्तों की कोई पार्टी नहीं थी क्या जो मेरे फैमिली के बोरिंग फंक्शन में आना पड़ा? रश्मि देखो, मैं अच्छे मूड में आया हूँ, आज खराब मत करो। क्यों? आप मेरे अच्छे मूड नहीं खराब करते। जब देखो आपको तो अपनी पड़ी रहती है, आपकी लाइफ, आपके मूड, आपके फ्रेंड्स। रश्मि एक तो मैं आया हूँ, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। आओ तो प्रॉब्लम, ना आओ तो प्रॉब्लम। मैंने सोचा कि सबको शिकायत है, मॉम डैड भी पीछे पड़े थे इसलिए आ गया, लेकिन अब लेट क्यों है इस बार फिर लड़ने? हाँ तो एक बार आके कोई एहसान नहीं कर लिया आपने? पहले कितनी बार नहीं आए और मुझे शर्मिंदा किया है, और आज भी आए तो लेट आए। रश्मि मुझे होली खेलनी अच्छी लगती इसीलिए आ गया, और सोचा कि सबसे मिल लूंगा, लेकिन हाँ कोई और फंक्शन होता तो मैं नहीं आता। हाँ तो क्यों आए आप, आज भी नहीं आते? और वैसे भी मुझे तो आदत हो ही गई है ना, मान लिया है मैंने कि आप मेरे साथ कहीं आएंगे ही नहीं। क्यों, तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं आता मैं? रियली एक या दो बार से ज्यादा कभी आए नहीं आप, जबकि मैं आपके साथ हर पार्टी में जाती हूँ और आप ही के हिसाब से सब करती हूँ। रश्मि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स पसंद नहीं है, मिली आप उनसे? नहीं मिलना मुझे उनसे, और आपसे भी नहीं मिलना है मुझे। आप जाइए सबसे मिल लीजिए, और जिस शो ऑफ के आए वो भी कर लीजिए, ताकि सबको ये पता चल जाए कि आप ही अच्छे हस्बैंड हैं और बुरी तो मैं ही हूँ, सारी गलती मेरी है। रश्मि यू आर सीरियसली टू मच। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।